एटी न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम एटी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। जते जल्दी रिपोर्ट करा जल्दी का भुगतान कर रहा है जी सर। एक सप्ताह एक सप्ताह बहुत एक थाना में FIR जी जी मुआवजा मिलेगी, 4 लाख रुपया मुआवजा मिलेगी ना। नियम तो इसका जो प्रक्रिया पूरा करने के पश्चात उनको 4 लाख रुपया तुरंत दिया जाएगा। मुआवजा से भुगतान अनुग्रह इसका प्रक्रिया है ना, ऐसा कोई नहीं है। जो नियमता है उसका हर समय नियम के तहत ही पालन किया जाता है और कार्य किया जाता है। सारा कागजात जमा हो जाने पर इनके भुगतान प्रक्रिया कर भुगतान कर दिया जाता है। घटना बैरो का आदमी था, उसी एक्सीडेंट हुआ है, एक आदमी की मौत हुई है, 3 आदमी घायल है। सरकार का जो प्रावधान है उसके अनुसार हम लोग उसको मुआवजा देंगे। सर कितनी मुआवजा की राशि मिलेगी? 4 लाख रुपया है। जिला पदाधिकारी के माध्यम से हम लोग भेजेंगे, सरकार का निर्णय होता है उसमें, क्योंकि हम लोग इसमें अक्षम है। सर घर में एक आदमी कमाने वाले थे और जो है कि ठीक है, जो सरकारी प्रावधान है वो हम देंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट? हाँ। नहीं नहीं, घटना जो है रोड पर जो मैंने सुपौल सहरसा के बीच में जाने वाले रास्ता था उसमें नहीं हो करके जाकर के किसी घर में जाकर के ट्रैक्टर से मार दिया गया। मदन पास में नाम मोहम्मद अभी। मामला कैसे हुआ ये? मामला साइकिल ठीक करा रहा था वहाँ पर, बरंदा पर बैठा हुआ था, यहाँ से ट्रैक्टर ले जा करके वहाँ पर चाप दिया, सीधा मार दिया। 40 फीट दूरी पर दुकान है उसका। ट्रैक्टर कहाँ का है? ट्रैक्टर भाग गया? ट्रैक्टर है, अभी लगा हुआ है। जो मृत्यु हुआ उसका क्या नाम है? मोहम्मद हलीम। नहीं, जिसका मृत्यु हुआ मोहम्मद हलीम नाम है। उम्र कितना है? कितना उम्र होगा इनका? उम्र 55 होगा, 60 होगा, 60। बहुत अच्छे लोग हैं, सरपंच थे हमारे पैरों के, काबिल आदमी। आपका नाम? मोहम्मद हबीब। जो मृत्यु हुआ उनका क्या नाम है? मोहम्मद हलीम। हलीम, आपका नाम हबीब है? हाँ। ढकराही पहाड़पुर पंचायत बैरो वार्ड नंबर 7।